हेलो एंड हाय दोस्तों, आ गए एक और नई वीडियो के साथ। और आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन से व्लॉग कहाँ गई, कोई व्लॉग नहीं आ रही है। भाई देखिए, फिलहाल मैं हूँ अपने विलेज में, और भाई विलेज में कुछ व्लॉगिंग करने के लिए है नहीं। और जैसे डाल सकता हूँ विलेज टूर डाल सकता हूँ, पर वेदर का कुछ हाल चाल ठीक नहीं है, तो उसको छोड़ते हैं, उसको एक साइड में रखते हैं। आज एक बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, आमिर माजिद और JK07 राइडर, क्योंकि भाई आप वे भी एक व्लॉगर हैं, मैं भी एक व्लॉगर हूँ, तो कुछ कंट्रोवर्सी हम लोग को बात करनी चाहिए कि कौन सा ये क्या गलत है। अब बात के आखिर क्यों इतनी लड़ाई झगड़ा चल रहा है सबके बीच में, तो सबको आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तो आपको पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सब जो लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई, तो सबसे पहले आमिर माजिद जो थे उनको जाना था लेह लद्दाख, और वो UK07 राइडर के साथ जा रहे थे, ठीक है, उत्तराखंड साइड वो रहते हैं, तो वहाँ से वो जा रहे थे वो लोग साथ में, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसे कुछ दिन बाद ये लोग गए अपने साथ साथ, जैसे वीडियो में कुछ क्लियर पता नहीं चलता कि आखिर होता क्या है, पर ये लोग साथ में जाते हैं। और UK07 राइडर जो है वो कहते हैं कि आमिर माजिद आधे रास्ते से छोड़ कर ना वापस आ गए, ठीक है। तो ये दो तीन बार हर वीडियो में अपनी बात बोल रहे हैं कि वो उनके घर का खाना खाते हैं, ये वो ये, तो वो छोड़ के वापस आ गए और फिर ये अपने राइड कंप्लीट किए अकेले, ठीक है। तो और फिर यही जो चीज़ है आमिर माजिद बोलते हैं कि भाई देखो, मेरे तरह से कोई बात नहीं है, तुम छोड़ के आ गए थे, मैं तो अपना पूरा राइड कंप्लीट कर रहा था। और उसके पे ये इन्होंने एक डिस्ट्रैक निकाला जो बहुत गलत टाइप का डिस्ट्रैक है, वैसे नहीं मनाना चाहिए करना, क्योंकि देखिए ये जो UK07 राइडर ने बोला कि ठीक है घर पे आके खाना खाते, ये सब नहीं बोलना चाहिए था। उसके बदले में ये भी नॉर्मल सा रिप्लाई उनको कर सकते थे, पर उन्होंने गाना निकाला और गाना काफ़ी गलत था। आप सुन सकते हैं, पर नहीं सुनना चाहिए, गाना सही सुनने लायक नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, गाली वाली सुनते सुन सकते हैं, और भाई इसमें बहुत ज़्यादा आप पर्सनल चीज़ें उनके वो किए, जैसे सौरव जोशी को बोला गया, जैसे सौरव जोशी जब 900K पे थे तो 1 मिलियन करने के लिए सौरव जोशी के पास गए थे, ये वो, तो जब सौरव जोशी के पास गए थे तो इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो ये सब बातें भी उन्होंने बताई हैं। भाई वो उनकी पर्सनल चीज़ें, वो किन के पास जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो एक अलग बात है। हाँ हेल्प उसे हो सकती है थोड़ी, पर ऐसी नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं भाई। और बात रही कि वो राइड का झगड़ा में आप पूरी उनकी फैमिली को नहीं गुस्से कर सकते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड को छोट वोट में आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, फिर उनके पापा को बोल रहे हैं, फिर सौरभ जोशी को इनफैक्ट वो बोल रहे हैं, और उसके बाद अगले दिन जब आप लाइव आते हैं तो फिर आपको भी गालियाँ पड़ना चालू हो जाती हैं। तो ये सही बात है, जब अगले दिन ये अपने डिस्ट्रैक्ट निकाल के 2-3 दिन बाद लाइव आए तो इनको बहुत सारी गालियाँ पड़ी, क्योंकि भाई हेट मिलना लाजमी सी बात है, क्योंकि UK07 जो राइडर हैं, हाँ वो मुझे लगता है कि शायद वहीं छोड़ के वापस चले आए थे, जैसा कि जैसा कि सारी वीडियो में दिख भी रहा था कि आमिर माजिद ने पूरी राइड कंप्लीट की, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ जैसे कि कैमरा इनका यूज़ किया गया था, बोल रहे थे UK07 राइडर कि मेरा काम कैमरा यूज़ किया और मेरी चीज़ें यूज़ की और कहीं भी क्रेडिट नहीं डाले और सारे ब्लॉग पहले अपलोड कर दिए। तो हो सकती है सब चीज़ें, हो सकती हैं कि ब्लॉग अपडेट कर देते, अपलोड कर, जो करना है भाई सब करो। पर इधर देखो मैं बताता हूँ क्लियर बात, जो आपकी जाननी चाहिए आपको, जो डिस्ट्रैक्ट निकाला वो गलत, उनके फैमिली के बारे में बोला वो गलत, इनफैक्ट सौरभ जोशी को झूठ मूठ में इसमें घसीटा, सौरभ जोशी को इसमें जो घसीटा उसकी वजह से इनको हेट मिलना लाजमी सी बात है। अब मैं आपको इतनी सारी बकवास तो मैंने कर ली, लेकिन अब मैं आपको क्लियर बार बता देता हूँ कौन सही है और कौन गलत, और क्या इस पर अब आगे कुछ होगा भी कि बस ये जो सिलसिला था यहीं पर ख़त्म हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात कि आमिर माजिद को जितना हेट मिला था वो तो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सौरभ जोशी के व्यूवर जो हैं वो हर्ट हुए हैं, और UK07 राइडर के तो व्यूवर हर्ट हुए ही हैं, और जो UK07 राइडर ने रिप्लाई भी अभी तक इस चीज़ का नहीं किया, तो जो आप समझ सकते हो लड़ाई तो चालू की इन्होंने, पर रिप्लाई तो नहीं आया कोई, तो बात तो वहीं ख़त्म हो गई। जब वो रिप्लाई करते तो बात आगे बढ़ती, तो अब इसका कुछ मेरे ख्याल से होने वाला है नहीं। अब UK07 राइडर ने अपना मतलब वो कह रहे थे कि गाने से कुछ ऐसा वैसा होगा, पर गाने वैसा कुछ था नहीं, डिस्ट्रैक्ट टाइप का गाना था नहीं, नॉर्मल सा गाना था, उनके ऊपर गाना था, तो उसमें आमिर माजिद का कहीं नाम भी नहीं आया और कोई भी चीज़ नहीं आया, तो वो सब तो ठीक है। अब इसके आगे मुझे लगता है ये सब कहानी यहीं ख़त्म हो गई, और ऐसी कोई अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं होने वाली है, तो इसका जो कंट्रोवर्सी था यहीं पर एंड हो गया, और आमिर माजिद को जितना हेट मिलना था वो तो मिल गया है, और इसमें UK07 राइडर का कुछ हुआ भी नहीं, बस हेट मिला आमिर माजिद को। हाँ कुछ सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं ऐसी चीज़ों से, पर इस पर ध्यान नहीं देता। और तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और अगली वीडियो में जो व्लॉग वीडियो होगी तो उस पर जरूर आप देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।